नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पहली चौहान। सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तपती धूप में मंत्री संजू बलियान ने जनता की सुनी फरियाद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रक्षक ही बना भक्षक, 9 साल की मासूम से किया दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ में पामगढ़ पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों से 1 देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस किए बरामद। उत्तर प्रदेश में जहां प्रशासनिक अधिकारी अपने वातानुकूलित कक्ष में बैठकर फरियादियों की फरियाद सुनते हैं, वहीं आज केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में अपना दरबार लगाकर एक एक कर फरियादियों की गुहार सुनते नजर आए। पसीने में तरबतर होने के बावजूद मंत्री जी कई घंटे पीड़ितों की समस्याएं सुनते रहे। मंत्री संजीव बलियान ने कहा कि VIP कल्चर को खत्म करने के लिए नेताओं को जमीन पर आकर लोगों की समस्याएं हल करनी होगी। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के सिंचाई विभाग के डाक बंगले का है, जहां आज केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान भरी दोपहर में अपना एयर कंडीशनर कक्ष छोड़कर खुले आसमान के नीचे लोगों की समस्याएं सुनने के लिए दरबार में आ पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक कर फरियाद लेकर पहुंचे समस्याओं को सुना और समझा। अगर समस्याएं अंदर बैठकर सुनूंगा तो शायद मुझे लगता है 1 हफ्ता लग जाएगा और दिनों रात मुझे यहीं रहना पड़ेगा। अब जब बाहर खड़े हैं और मंदिर AC में बैठूंगा तो इनके मन पे क्या बीतेगी कि मंत्री तो अंदर AC में बैठे और हम बाहर खड़े। अब AC का तो 1 कमरा है, अब इतने लोग उस कमरे में आ नहीं सकते, तो मेरा फर्ज इन्हीं के साथ रहूं। VIP कल्चर खत्म हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। जो थोड़ी बहुत बची है वक्त आने के साथ साथ, नहीं अभी बची हुई है थोड़ी सी, सुरक्षा बहुत बड़ी बड़ी कुछ नेता ले रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में सुरक्षा भी समाप्त होगी और फिर असली VIP कल्चर बिल्कुल समाप्त हो जाएगी 100%। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर की मंडी बाजार स्थित एक होटल में रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से दुकान में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार ओम प्रकाश ने बताया कि गैस सिलेंडर का स्विच लीक होने से आग लगी। मंडी बाजार क्षेत्र का एरिया होने के कारण लोगों का हुजूम लग गया। आसपास के दुकानदारों ने मिलकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई, वहीं लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने बताया कि फायर फाइटर को फोन किया था, परंतु मौके पर फायर फाइटर नहीं पहुंचने से दुकान में रखा पूरा माल जलकर खाक हो गया। देखा जाए तो यहां कोई जनहानि नहीं हुई, यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ी घटना होने का अंदेशा था। मध्य प्रदेश जबलपुर जिले में पहली बार शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिला मुख्यालय में रहने वाली मां पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी सिपाही को खुश करने के लिए उसे अपनी 9 साल की मासूम बेटी को सौंप दिया। सिपाही पिछले 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था। पिछले दिनों मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी मां और आरोपी सिपाही को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया है। गोरखपुर CSP अंजुलता पाटले ने बताया कि महिला के पति ने 2 साल पहले मोटरसाइकिल और TV के लिए लोन लिया था। लोन से जुड़े चेक बाउंस होने के कारण उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था, जिसके बाद सिपाही मयंक तिवारी पदस्थ ग्वारी घाट थाने पदस्थ युवक के घर लेकर गया। कई बार जाने पर भी आरोपी घर पर नहीं मिला तो सिपाही ने उनकी पत्नी से अच्छी खासी दोस्ती कर ली। उन्होंने बताया कि सिपाही और महिला के बीच पिछले 1.5 साल से शारीरिक संबंध थे। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, पर सवाल यह उठता है कि जबलपुर पुलिस ये सिपाही और कितने मासूम को शिकार बनाते हैं, यह सवाल उठने लगा है। हमारे थाना क्षेत्र में रेत नाके पे एक परिवार रहता है, एक माइनर गर्ल ने, अवयश की बच्ची है, 11 साल की है, उसने ये आरोपित किया कि उसकी माँ और हमारे थाने पदस्थ एक सिपाही कुछ अनैतिक संबंध थे और ड्यूरेशन में उसने उसके साथ भी बैड टच वाली स्थिति निर्मित की है। कल उसने अपने दादी के साथ आके बाल कल्याण समिति के समक्ष इस चीज़ को रखा था। रात में आके हमने थाने में लेट नाइट रिपोर्ट की है, जिस पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है अप्रोप्रिएट सेक्शन 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसकी विवेचना CSP गोरखपुर मैडम कर रही है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड और नाम क्या है? आरोपी थाना पदस्थ मयंक तिवारी है, छिंदवाड़ा जिले से बिलोंग करता है, जिसको अभी हमने हिरासत में ले रखा है। पंजाब में अकाली भाजपा सरकार के समय तरनतारन के गांव रसूलपुर में डाले गए सीवरेज को जब प्रशासन द्वारा भेजे अधिकारियों और पुलिस ने उखाड़ना शुरू किया तो गांववासियों और सरपंच ने नारेबाजी करते हुए इसका जबरदस्त विरोध किया। गांव के सरपंच का कहना था कि प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर लोगों को सीवरेज की मिल रही सुविधा से वंचित करना चाहता है।
सीवरेज की सुविधा न होने से गांववासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरपंच प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत गांव में सीवरेज डलवाया था, लेकिन कुछ लोग गांव का विकास नहीं चाहते, जिसके लिए वह लोग जानबूझकर झूठी शिकायतें करके प्रशासन को गुमराह करते हैं। लोगों ने कहा कि वह इस मामले में इंसाफ न मिलने पर डीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे। ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪਾਂ ਦੂਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਤਨਾ ਅਫਸਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪਾਈਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਡਾ ਸੀਜੀਐਮ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਪੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪੋਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੋਰੇ ਪਟਾਉਣੇ ਆ ਪੋਰੇ ਪਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆ उत्तर प्रदेश में जनपद आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के असाड़ा गांव में रात में घर के समीप एक दुकान से वापस लौट रहे 55 वर्षीय बुजुर्ग की ताबड़तोड़ 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि असाड़ा गांव निवासी इरफान अहमद कल रात करीब 9 बजे गाँव के समीप चाय की दुकान से लोगों से मिलकर वापस अकेले ही घर पैदल लौट रहे थे कि पीछे से एक बाइक पर 2 बदमाश धमक पड़े और इरफान पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश वारदात को अंजाम देकर आसानी से भाग निकले। वही लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में आनन-फानन में घायल इरफान को गाड़ी पर बैठाकर करीब 35 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही इरफान ने दम तोड़ दिया। वही पुलिस का मानना है कि हत्या भूमि विवाद को लेकर की गई हो सकती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसका जैसे हम लोग प्राइमरी देखा है उस हिसाब से तो ब्रॉड डेड है और जैसा उनकी रिलेटिव बता रहे हैं काफ़ी देर से सांस उनकी रास्ते में भी नहीं चल रही थी तो हो सकता है कि काफ़ी देर की ये डेथ हुई हो और सारे CPR वगैरह करने के बाद मुझे नहीं लगता रिवाइव कर पाएंगे तो ये हाँ गोली जो अभी प्रथम दृष्टया मुझे लग रही है कि सर में 2 जगह पर लगी हुई है 2 जगह पेट पर लगी हुई है एंट्री वुंड है अभी एग्जिट वुंड तो उसका डिफाइंड नहीं लेकिन ये तो श्योर है कि हेड में गोली लगने की वजह से डेथ हुई होगी प्राइमरी उसके अलावा पेट में भी गोली लगी। थोड़ी देर पहले सरायमीर में एक गांव असाढ़ा है वहां के रहने वाले इरफान है जिनकी कुछ लोगों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी है और बताया जा रहा है इसके पीछे कुछ ज़मीनी विवाद पुराना चल रहा है उनका और अभी डेड बॉडी यहाँ मोर्चरी में लाई जा चुकी है और चूंकि घर वाले अभी उनके साथ ही हैं तो अभी जैसे तहरीर मिलती है वैसे इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 7 बाइक 2 तमंचे और 2 चाकू बरामद किए हैं। पकड़े गए तीनों शातिर बदमाश अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वाहन लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 गाड़ियां भी बरामद की हैं जिनमें 1 स्विफ्ट डिजायर 1 बुलेरो और 1 सेंट्रो कार शामिल है। दरअसल तीनों बदमाश उस समय पुलिस के हत्थे चढ़े जब मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी हुई थी तीनों बदमाश जनपद में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो क्राइम ब्रांच और पुलिस ने रामराज थाना क्षेत्र की नहर की पटरी पर बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और कुछ समय बाद मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने तीनों शातिर बदमाशों को धर दबोचा। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और थाना रामराज की टीम को एक अच्छी सफलता मिली है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट वाहन चोरी और लूट करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके पास से 3 4-व्हीलर गाड़ियां और 7 2-पहिए वाहन जो है इनके निशानदेही पे बरामद हुए हैं। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी बेसिकली जो NCR रीजन्स हैं
दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, इन जगहों से गाड़ी को छुड़ा कर और संभल, मुरादाबाद आगे जो है इनको बेचा करते थे। इन तीन अभियुक्तों को, जिनमें एक मेरठ के, एक बदायूं के और एक रामपुर का है, इन पे पहले भी अपने अपने जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उनके आधार पे हम इनके अन्य सदस्यों की जानकारी कर रहे हैं और अन्य जो पहले इन्होंने चोरियां की हैं उनकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित बाजार समिति परिसर में पुलिस के द्वारा आज सुबह शराब को लेकर कई होटलों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां पुलिस ने एक होटल से 74 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। इस दौरान एक होटल व्यवसायी को पूछने के लिए हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी एवं तोड़फोड़ के विरोध में आज बाजार समिति के दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन किया एवं पुलिसिया दमनकारी बंद करने को कहा। गौरतलब है कि बीती रात एसपी कुमार आशीष ने दीपनगर थाने के पास एक वाहन से आलू में छिपाकर ले जा रहे 40 बोरे देशी शराब की पाउच बरामद किया था। इसी आलोक में पुलिस ने आज सुबह बाजार समिति में छापेमारी की, जहां शराब की बोतल बरामद किया। इन लोग को मतलब मारपीट कर रहा था, पैसा वैसा ले छीन रहा था, सब बर्तन वर्तन छीन रहा था, तो हम बोले कि सर ये सब नजायज दारू नहीं बेचता है, हम लोग इसके यहाँ खाना खाते हैं, हम गरीबदार हैं। तो वाला बोलने वाला कौन, हमको भी गाड़ी गलौज कर दिया, हमको भी पकड़ के ले जाने लगा, हम कि हमको आप कैसे पकड़ के ले जाएगा, तो वाला आप भी अंदर जाइएगा। तो फिर यही सब के पकड़ के ले गया, तो उधर जाके बोलता है कि 10-20 दिन छोड़ देंगे। तो बेचारा गरीब आदमी दारू बेचवा नहीं करता तो पैसा कहाँ से इसको आएगा। हाँ, तोड़ फोड़ भी किया, मारपीट भी किया, औरत लोग बेचते, देखिए माई बेटी दोनों है, दारू को ना पड़ दादागिरी करने लगा। कम से कम 10 मरते छापा मारा, एगो पत्ता भी नहीं मिला। अब बार बार कहते कि दारू दीजिए दारू, हम नहीं दारू बिकवे नहीं करते कभी भी ना। नीतीश कुमार बन कहीं जैसे से जनता से सबसे पूछ लीजिए सर कि दारू मिलता है कि नहीं मिलता है। दोनों पति पत्नी पकाते थे, 4 गो बाल बच्चा के पालते हैं सर, कहिए तो दारू पकड़ के लिए चल गया। तोड़ फोड़ की भी किया, सब छीट दिया, चाय ताय बेचते थे, जो चाय भी पिया है वो सब पैसा कौड़ी था, बिकल था, जो भी ले गया सब देखे न सर, सब फेंक के चल। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले की पामगढ़ पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों से बोरसी गाँव के एक घर में चोरी किया गया सामान भारी मात्रा में जब्त किया गया। साथ ही चोरों से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। दरअसल 25 मार्च को बोरसी गांव के एक किसान ने गांव के ही दीपक चंद्रमा और प्रकाश टंडन के नाम नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन दोनों ने उनकी अनुपस्थिति में उनके घर से कई बोरी चावल, घर के कांसे के बर्तन और अन्य घरेलू उपयोग की चीजों को चोरी कर लिया है। सूचना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई, मगर दोनों चोर तब तक फरार हो चुके थे। इसी दौरान आज पामगढ़ पुलिस को मुखबिर से दोनों अपराधियों के क्षेत्र में सक्रिय होने की सूचना मिली, जिसके बाद घेराबंदी कर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये काम बोरसी में प्रार्थी मुनिराम टंडन के घर में चोरी हुआ था, जिसमें 21 कट्टी धान, टीवी, बर्तन आदि अज्ञात चोरों ने चोरी किया था। चोरों की पतासाजी के लिए जब संदेही दीपक और प्रकाश टंडन से पूछताछ किया गया तो उनसे चोरी के सामान गणेश राम नायक जेवरा के यहाँ से 21 कट्टी धान को बेचना और उन जेवरा गणेश राम नायक के पास से 21 कट्टी धान को बरामद करना पाया गया। बाद विवेचना के पूछताछ दौरान दीपक अपने पास एक लोहे का देसी कट्टा और 3 कारतूस रखना बताया और अपने घर के पटाव में रखे छुपा कर रखा था और वहां से निकालकर पुलिस के समक्ष पेश किया, जिसे विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिहार में जहां एक और मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में खुले में शौच मुक्त बनाने को लेकर कवायद तेज कर दी है, वहीं शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के डलहर गांव में लोगों के द्वारा अपने घरों में गड्ढा खोदकर शौच के बाद खेतों में शौच फेंके जाने का मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पूरे मामले को जाँच कराने का निर्देश शेखपुरा DM को दिया है और उस गाँव में शौचालय बनवाने के लिए अधिकारियों की टीम भेजने की बात कही। उक्त बातें नालंदा उद्यान महाविद्यालय में आयोजित नूरसराय प्रखंड के 12 खुर्द पंचायत को ODF मुक्त घोषित होने की कार्यक्रम का उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, फिर भी इस तरह का मामला सामने आया है तो जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड के डेलहर गाँव
के बारे में जानकारी मिली है कि वहाँ पर घर में गड्ढा खर के शौच करते हैं और गड्ढे में घर का पानी भी गिराते हैं, तो उसके लिए तो सरकार अनेक प्रकार की योजना बनाई है। सोखता का भी प्रावधान किया गया है, घर घर में शौचालय बनाने का भी सरकार का है, उसके लिए भी 12,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो इसकी जांच कराएंगे जो खबर मिली है, और जांच के बाद जल्द से जल्द वहां पर कैसे शौचालय का निर्माण और पानी निकास की कैसे व्यवस्था हो सकती है, इस दिशा में शीघ्र संबंधित अधिकारी को, जिला पदाधिकारी को निर्देश देकर के वहाँ जल्द से जल्द इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो, इसकी सरकार कोशिश करेगी। बिहार में एक बाप ने घरेलू विवाद में अपने बेटे अटल यादव की हत्या करा दी। बताया गया कि जिले के अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र के महुअरी गांव के एक युवक अटल यादव को अपराधियों ने आंधाधुंध गोली चलाकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस इसे आपसी विवाद बता रही है। मृतक के परिवार ने हत्या के मामले में पुलिस के समक्ष 4 नामजद पर आरोप लगाया है, जिसमें मृतक के पिता, चाचा, चचेरा भाई तथा एक अन्य शामिल है। घटना के बारे में अटल बिहारी यादव मंदिर के समीप स्थित पान दुकान से पान खाकर घर लौट रहे थे कि अपराधियों ने उन्हें गोली से छलनी कर दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया आरोपी फरार है, गिरफ्तार हेतु छापेमारी जारी है। बड़ा फोन किया था थाना महुआरी में, मर्डर हम लोग हैं, फिर बड़ा लोग हैं, लाश लेकर हम लोग परी बुलाए हैं थाना पर, वहाँ से लिखा पढ़ी कागज पहने, हाँ हम लोग चले ससाराम। कैसे हुआ है कुछ कैसे हुआ है पान खाने के लिए मंदिर पर गए थे और पान खा करके के लौटते क्रम में करीब 7-7.25 बजे के लमसम में महुअरी जादू टोला के मोड़ पर वहीं पर आनाधुन जब गाड़ी मोटरनिंग के लिए स्लो हुआ उसी समय आनाधुन फायरिंग हुआ। क्या उनका पहले से कोई विवाद भी था? पारिवारिक विवाद था जी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहें आई9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।